हापुड़ में वकीलों पर बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में कानपुर बार एसोसिएशन व लायर्स एसोसिएशन ने बुधवार को अदालती काम का बहिष्कार किया। वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने का ये निर्णय मंगलवार शाम कानपुर बार की कार्यकारिणी की आपात बैठक में लिया गया। न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए कानपुर के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री आदित्य सिंह ने हापुड़ घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह भारत की न्याय व्यवस्था पर हमला है। उन्होंने कहा, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, उसको देश और प्रदेश के अधिवक्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह तो अभी जंग की शुरुआत है। अगर दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्यवाही और घायलों को मुआवजा नहीं दिया गया तो प्रदेश का अधिवक्ता संघर्ष करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए कानपुर से सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट। जो घटना हुई है, लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कहीं न कहीं उसके पीछे पुलिस की भेजा मंशा है। मंशा यह होती है, पुलिस जिसको चाहे की मुंजी बना देती है, वकील छुड़ाने का काम करता है, वकील न्याय दिलाने का काम करता है, और आज वकील की आवाज दबाने का काम पुलिस करने जा रही है। तो कानपुर का वकील हमारे अजीत सिंह की अगुवाई में संकल्प लेता है, पुलिस से टकराने का काम करेगा, पुलिस से झुकने का काम नहीं करेगा। कानून के रखवाले हैं, कानून के, और जिस जिसने कानून का खिलवाड़ किया उसको कानून का बुरा अंजाम भी भुगतना होगा। सर, हापुड़ में जो घटना हुई है उसका आपने विरोध किया, किस तरीके से देखा? बहुत ही निंदनीय, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो हापुड़ में कार्य किया वो बहुत ही निंदनीय कार्य है, और ये समाज के चौथे स्तंभ पर एक तरह से हमला है। अगर सामाजिक व्यवस्था के सामाजिक ढांचे को ये तोड़ने का प्रयास है, और इस कुत्सित प्रयास में जो जो अधिकारी लिप्त हैं उनका निलंबन होना चाहिए, और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई, जो कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। देखिए, चूँकि इसको राज्य हमारे यूपी बार काउंसिल ने संज्ञान में लिया है, और यूपी बार काउंसिल ने आज पूरे प्रदेश भर में हड़ताल के लिए आह्वान भी किया है, और चूँकि यूपी बार काउंसिल इसका नेतृत्व कर रहा है तो उसी के निर्देश पर जो भी आगे की कार्रवाई वो निर्धारित करेंगे उस पर हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। ये घटना बहुत निंदनीय है, और बल्कि अफसोस का विषय ये है कि पिछले, अगर आप इतिहास में जाकर देखें तो समय समय पर पुलिस द्वारा इस तरह के कानून तोड़ने के कृत्य किए गए हैं, बल्कि उन्होंने कई बार तो जुडिशल अफसर्स पर भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की हैं, दंडित भी हुए हैं, लेकिन पुलिस को इतना निरंकुश नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को वो अपने ढंग से डिफाइन नहीं कर सकते, अपनी लिमिटेशंस को नहीं तोड़ सकते हुए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में अगर वो गैर कानूनी या विधि विरुद्ध कार्य करते हैं तो उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। हापुड़ की जो घटना है वो अत्यंत निंदनीय, और मतलब उनका कृत्य जो है ये पूर्णतः विधि के विपरीत है। सर, पुलिस ने महिला अधिवक्ताओं को इसमें निशाना बनाया। यस, अधिवक्ता महिला हो या पुरुष हो, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आप कानून को तोड़ करके अपने कानून की आड़ में, लॉ एंड ऑर्डर की आड़ में ऐसा कोई भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते, और उन्होंने किया है, इसके लिए उन्हें दंड अवश्यम्भावी है।